नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज जागरूक भारत। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। पिस्तौल और कारतूस मांगने वाले को एसओजी ने पकड़ा। उत्तर प्रदेश में हुए झगड़े के बाद फूफा का हाथ काटने वाले को सूरत में गोली मारकर हत्या करने की साजिश थी। उत्तर प्रदेश में हुए झगड़े के बाद फूफा का हाथ काटने वाले की सूरत में हत्या की साजिश रचने वाले को सूरत एसओजी ने पकड़ लिया है। पुलिस ने बताया कि गांधीनगर जिला के चिलोड़ा पुलिस थाने की हद में पकड़े गए पिस्तौल तथा जिंदा कारतूस मंगाने वाले सूरत के पूरा गांव भैया नगर में रहने वाले 25 वर्षीय जगदीश उर्फ जगा भागीरथी निषाद को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ करने पर आरोपी ने कबूल किया कि उसके फूफा दिलीप जमुना प्रसाद विंद उत्तर प्रदेश में गांव में रहते हैं और करीब एक साल पहले उनके गांव में राकेश विंद नाम के एक व्यक्ति ने जमीन के झगड़े में उसके फूफा तथा फूफा के बेटे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था। इस घटना में फूफा का एक हाथ कट गया था और उसके बेटे के सिर में हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उस मामले में राकेश विंद जेल गया था और जमानत पर बाहर आकर सूरत में रहने लगा था। उस झगड़े के कारण राकेश से बदला लेने के लिए फूफा के एक साथी जिसका नाम गोविंद महेंद्र प्रसाद है उसे एक पिस्तौल और कारतूस पकड़े गए आरोपी जगदीश को देना था, लेकिन गोविंद गांधीनगर चिलोदा पुलिस के हाथों पकड़ा गया जिसके बाद उसका काम पूरा नहीं हो पाया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ जागरूक भारत।